खबर 24 न्यूज पर हम आपको लगातार सावन स्पेशल में हर अलग अलग रिपोर्ट्स बता रहे हैं और हर अलग अलग रिपोर्ट्स में शिव जी की महिमाएं बता रहे हैं। आपको पता ही है अक्सर 12 साल में जो 4 तीर्थ स्थान हैं वहां पर कुंभ का मेला लगता है। आज के इस रिपोर्ट में, सावन स्पेशल रिपोर्ट में, हम जानेंगे कि आखिर कुंभ का मेला लगता क्यों है और इस पवित्र पर्व का इतिहास क्या है। महाकुंभ मेला जो कि हर 12 साल में एक बार आयोजित किया जाता है, कुंभ मेले का अपना धार्मिक महत्व है। निस्संदेह यह आस्था का सबसे बड़ा जमावड़ा है जिसमें पूरी दुनिया से लोग भाग लेते हैं और पवित्र नदी में स्नान करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कुंभ का अर्थ क्या है और इसे क्यों मनाया जाता है? हाथ में त्रिशूल और डमरू, गले में नाग और मस्तक पर चंद्रमा धारण किए हुए बाबा नीलकंठ हमारे अंदर ही निहित है। ओम शिवोहम के जाप से हम भोलेनाथ का स्वयं में खोज सकते हैं। महाकाल इस दुनिया के रचयिता हैं, उनके भक्त महाकुंभ में इकट्ठा होते हैं। संगम पर संतों का सैलाब महाकुंभ में उमड़ता है। तन पर भस्म, माथे पर काला टीका, बाह गले और कलाई पर मोटे मोटे रुद्राक्ष धारण किए महाकाल के भक्त कुंभ के लिए दुनिया के कौन कौन से रुद्रदेव के स्थान पर पहुंचे जाते हैं। घाट पर ऐसा दृश्य होता है कि मानो महादेव धरती पर अपने भक्तों को दर्शन देने आए हो। घाट पर इतनी ऊर्जा से ये सन्यासी हर हर महादेव का जाप करते हैं कि मानो उनकी आवाज आसमान चिरते हुए भोलेनाथ तक पहुंचती है। महाकुंभ महाकाल के भक्तों के लिए अमृत जैसा पवित्र पर्व है जिसमें शामिल होना भगवान को पा लेने के समान है। महाकुंभ मेला हर 12 साल में एक बार आयोजित किया जाता है। कुंभ मेले का अपना धार्मिक महत्व भी है। निस्संदेह यह आस्था का सबसे बड़ा जमावड़ा है जिसमें पूरी दुनिया से लोग भाग लेते हैं और पवित्र नदी में स्नान करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर कुंभ मेले का अर्थ क्या है, कुंभ मेला किसने शुरू किया है और उसके पीछे की कहानी क्या है? तो आइए आपको इस रिपोर्ट में इस बारे में विस्तार से जानकारी देते हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार कुंभ मेला एक महत्वपूर्ण और धार्मिक त्यौहार है जो 12 वर्षों के दौरान 4 बार मनाया जाता है, लेकिन महाकुंभ का आयोजन 12 साल में एक बार ही किया जाता है। महाकुंभ मेला केवल पवित्र नदियों के तट पर स्थित 4 तीर्थ स्थलों के पास ही लगता है। ये स्थान है उत्तराखंड में गंगा किनारे हरिद्वार, मध्य प्रदेश में क्षिप्रा नदी और उज्जैन में गोदावरी नदी पर, नासिक और उत्तर प्रदेश में 3 नदियों गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम स्थल प्रयागराज पर ही लगता है। यह सही कहा गया है कि कुंभ मेला दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक और सांस्कृतिक मानव सभा है। 48 दिनों के दौरान करोड़ों तीर्थयात्री पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। इस मेले में दुनिया भर से मुख्य रूप से साधु, साध्वी, तपस्वी, तीर्थयात्री आदि शामिल होते हैं। कुंभ मेला दो शब्दों कुंभ और मेला से मिलकर बना है। कुंभ नाम अमृत के अमर बर्तन से लिया गया है जिसे देवताओं और राक्षसों ने प्राचीन वैदिक शास्त्रों में वर्णित किया था, जिन्हें पुराणों के रूप में जाना जाता है। मेला, जैसा कि हम सभी परिचित हैं, एक संस्कृत शब्द जिसका अर्थ है इकट्ठा करना या मिलना। कुछ जानकारी के अनुसार कुंभ मेले का इतिहास कम से कम 850 साल पुराना है। लोग कहते हैं कि आदि शंकराचार्य ने इस मेले की शुरुआत की थी, लेकिन प्राचीन पुराणों के अनुसार कुंभ की शुरुआत समुद्र मंथन के आदिकाल से ही हो गई थी। कुंभ मेले का इतिहास उन दिनों से संबंधित है जब देवताओं और राक्षसों ने संयुक्त रूप से अमरता का अमृत उत्पन्न करने के लिए समुद्र मंथन किया था। उस समय में सबसे पहले विष निकला था जिसे भोलेनाथ ने पिया था, और उसके बाद जब अमृत निकला तो वह देवताओं ने पी लिया। असुर और देवताओं के बीच अमृत को लेकर झगड़ा हुआ, जिसके बाद अमृत की कुछ बूंदें 12 स्थानों पर गिरी, जिनमें से कुछ स्थान स्वर्णलोक और नरक लोक में गिरे और 4 बूंदें धरती पर गिरी। यह 4 स्थान हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज है। इन्हीं स्थानों पर कुंभ लगता है। यही कारण है कि यह स्थान पुराणों के अनुसार सबसे पवित्र स्थान है। इन 4 स्थानों ने रहस्यमय शक्तियां हासिल कर ली हैं। देवताओं और राक्षसों के बीच अमृत के घड़े पवित्र घड़ा कुंभ के लिए लड़ाई 12 दिव्य दिनों तक चलती रही, जो मनुष्यों के लिए 12 साल तक माना जाता है। यही कारण है कि कुंभ मेला 12 साल में एक बार मनाया जाता है और उपरोक्त पवित्र स्थानों पर ही मनाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस अवधि के दौरान नदियां अमृत में बदल गई और इसीलिए दुनिया भर में कई तीर्थयात्री पवित्रता और अमरता के सार में स्नान करने के लिए इन कुंभ मेलों में आते हैं। तो हमारी आज की सावन स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना है।